मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सो बूंदी में मेरा इतने प्यार से स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. लव यू बूंदी. लव यू. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट ये मेरा राजस्थान में पहला इवेंट. आहूजा से रीटा रिपोर्टर बनने का क्या सफर था आपका? तो आज के यूथ को आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़े, इंस्पायर हो आपसे? प्रिया आहूजा तो मैं हमेशा रहूंगी. बिल्कुल. पर हाँ, रीटा रिपोर्टर बनने का सफर बहुत ही ज्यादा प्यारा था, बहुत खूबसूरत था. मैं ऑडिशन के लिए गई और मेरा सिलेक्शन हुआ रोल के लिए. बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है. मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि शो ने लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. लोगों ने प्यार, पैसा, काम, नाम, शोहरत सब कमाया है. मैंने शो से इस शो के डायरेक्टर को कमाया, जो मेरे पति. सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो प्यार है ना, जब हमें हमारे नाम से नहीं, हमारे किरदार के नाम से बुलाया जाता है, पहचाना जाता है, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ी प्रशंसा एक आर्टिस्ट के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती. ये नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे सबसे हिट एक सीरियल चल रहा है जिसे आज 20 वर्षों की ज्यादा हो गए हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसकी रीटा रिपोर्टर यानी कि प्रिया आहूजा आज हमारे बीच में है. तो आप सभी का स्वागत है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में. और आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कोई सवाल है, तो आप जो है प्रिया जी से आप पूछ सकते हैं. आगे क्या करने की इच्छा है आपको? कहाँ फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे या धारावाहिक में? फिल्म में तो मैं, एक ही इंडस्ट्री है हमारी. तारक मेहता से करियर की शुरुआत की आपने? नहीं नहीं, तारक मेहता के बहुत पहले से काम कर रही हूँ. तारक मेहता तो मैंने काफ़ी आगे जाना. पहला धारावाहिक कौन सा? प्रिया आहूजा से रीटा रिपोर्टर बनने का क्या सफर था आपका? तो आज के यूथ को आप किस तरह से बताना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़े, इंस्पायर हो आपसे? प्रिया आहूजा तो मैं हमेशा रहूँगी. बिल्कुल. पर हाँ, रीटा रिपोर्टर बनने का सफ़र बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत खूबसूरत था. मैं ऑडिशन के लिए गई और मेरा सिलेक्शन हुआ रोल के लिए. बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है. मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि शो ने लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. लोगों ने प्यार, पैसा, काम, नाम, शोहरत सब कमाया है. मैंने शो से इस शो के डायरेक्टर को कमाया, जो मेरे पति है. तो मेरी जर्नी तो बहुत स्पेशल है. लेकिन आपको तो सभी अनमेरिड मानते हैं. नहीं, मेरा बच्चा भी है. वो बात अलग है कि मेरी वजह से मेरी उम्र का पता नहीं चलता. बट किस प्रकार का रोल प्ले करने का आपको अच्छा लगता है? मैं एक्टर हूँ और मुझे हर तरीके का काम करना पसंद है. हमेशा मुझसे सवाल पूछा जाता है, जैसे अभी आपने भी कहा कि क्या मैं फिल्में करना चाहती हूँ. अभी आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मैं वेब करना चाहती हूँ. तो जवाब यही है, मैं एक्टर हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ. अब वो काम मुझे स्टेज पे आके यहाँ पर जैसे मैं आज जो कर रही हूँ, सब लोगों को मिलूँगी, वो भी मेरा काम है. मैं टीवी में एक्टिंग करती हूँ, वो भी मेरा काम है. फिल्म्स की है और आगे अगर करूँगी तो वो भी मेरा काम है. अभी तक कोई फिल्म में मौका मिला आपको? कुछ बहुत अमेजिंग रोल्स नहीं मिले हैं अभी तक. पर मेरी ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है कि मुझे हीरोइन बनना, ऐसा कोई इरादा नहीं. मैं एक्टर हूँ, काम करना चाहती हूँ. जो काम जैसे आता है, जो मुझे पसंद आता है, दिल को भाता है, वो मैं करती हूँ. कितने वर्ष की उम्र से आपने शुरुआत की थी? मतलब आपको मुझे अपनी उम्र बतानी पड़ेगी? नहीं, कितने वर्ष पहले आप? मैं 10 साल की, 12 साल की. लेडीज को शुरुआत आपने की एक्टिंग की? नहीं नहीं, मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं है. मैं 20 साल
साल की थी जब मैं मुंबई आई और मुझे 18 साल हो चुके हैं काम करते। मैम एज ए फैमिली बैकग्राउंड आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है, किस प्रकार आपने शुरुआत की तो उसमें किसी ने ऑब्जेक्शन किया हो फैमिली में? सबने किया ऑब्जेक्शन। मैं 18 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो 18 साल पहले चीज़ें इतनी खुली हुई नहीं थी, आज चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं, इंस्टाग्राम भी आ चुका है, तो पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे ये कर। जब मैंने शुरुआत की थी तब पेरेंट्स के लिए बहुत अनोखी बात होती थी कि आप जाते हैं, आप एक्टर बनते हैं, मुंबई आते हैं, बहुत अलग होता था। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि यूथ के लिए क्या मैसेज है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लगे रहो, अगर सपना देखा है तो वर्क हार्ड फॉर इट, पूरी कोशिश करो कि आपका वो सपना पूरा। पति परिवार और बच्चे के बीच कैसे सबको वो बताइए कितना काम कर रहे हैं? पति को डायरेक्टर है तो वो इस बात को कम्प्लीटली समझते हैं। मेरे इन लॉज जो है पीसी इंडस्ट्री से है, मेरे फादर इन लॉ थिएटर के डायरेक्टर हैं। मैम एज ए एक्टर आप OTT प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करना चाहेंगे या फिर बड़े पर्दे पर? जैसे मैंने आपसे अभी कहा, मेरे लिए कोई भी माध्यम छोटा या बड़ा नहीं, ना ही मेरा कोई मतलब मेरी कोई ऐसी प्रायोरिटी भी नहीं है कि मुझे टेलीविजन छोड़ना। एज ए एक्टर आपको कौन सा बेस्ट लगता है प्लेटफॉर्म? मैम आपके पति का क्या नाम? मालव राज, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायरेक्टर थे। कहने का माना से मतलब? नहीं, अभी अच्छा खासा कमा रहे हैं तो फिलहाल। ये आप ही का बेटा है? नहीं, तो आप ही के पास ऐसा खड़ा है जैसे आप ही का बेटा? इनका बेटा तो इससे भी छोटा है। मैडम अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक्टर का महिला एक्टर से दिल आ जाता है या उसका उस पर आ जाता है, बाकी आपका दिल डायरेक्टर पे आ गया, इसके पीछे कुछ लव स्टोरी तो क्या रही है? डायरेक्टर पे आ गया कि मुझे डायरेक्टर का बैंक बैलेंस पता है। बैंक बैलेंस देख के आपने तीर मार दिया समय पर। लगता है कि शायद डायरेक्टर सर आपने जैसा भी बताया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मालव से शो में सीनियर हूँ, मैं शो में पहले से थी, मालव शो में बाद में आया, और जब वो आए तब वो डायरेक्टर नहीं थे, वो शो में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, यानी वो सेकेंड यूनिट डायरेक्टर, लेडी लक ने काम किया और वो डायरेक्टर। बूंदी आए हो कैसा लगाया का व्यवहार लोगों का? अभी भी अभी तो बस अराइवल हुआ है, एक्चुअली मैं बूंदी आई और चाय पी और आप लोगों के साथ। तो मैडम जैसे अभी तक आप छोटे पर्दे पर, तो कभी बड़े पर्दे पर प्रयास किया फिल्म मौका लगे? मैंने अभी यही जवाब दिया है 2-3 बार, तो उससे देखिए मेरे लिए कोई भी पर्दा छोटा या बड़ा नहीं, मुझे जहाँ काम मिलता है, अच्छा काम मिलता है, मैं बड़े छोटे पर्दे पे बड़े एक्टर बड़े एक्टरों के साथ अगर आपको मौका मिले तो क्या आप करना चाहेंगे उनके साथ एक्टर? मतलब ऑफकोर्स किसे नहीं करना होगा, अगर आप मुझसे पूछे अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान के साथ काम करना है तो कौन नहीं करना चाहिए? तो आपकी इच्छा है आगे जाने की? हर किसी की इच्छा। मैम क्या आने वाले टाइम पे रीटा रिपोर्टर को किसी और नाम से भी जाना जाएगा? हमारे पोपट लाल जी भी शादी तो करवा देते। क्या कहेंगे आप पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे? बहुत कठिन जिंदगी जीते हैं, एटलीस्ट हम लोगों की जो जिंदगी है वो बहुत ही आगे रोल के बाद हम एक्टिंग करते हैं, आप लोगों को तो हमेशा एक्टिंग करना होता है, तो हैट्स ऑफ टू यू। बूंदी के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप सब लोग यहाँ पर आए और इतने सारे सवाल पूछे, इतना प्यार देने के लिए।
बूंदी की जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? पहली बार बूंदी आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग इतनी वार्म के साथ हो गए। अब इवेंट पे जाऊंगी एंड मुझे बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर होने वाले हैं और लोग बहुत एक्साइटेड हैं, तो शुक्रगुजार हूँ मैं अपने भगवान का कि इतने सारे लोगों का इतना ज़्यादा प्यार। आप किस प्रकार का आज चीज़ रोल रोल क्या करूँ, मतलब जैसी प्रोग्राम क्या रहेगा आपका, डांस प्रोग्राम या कोई? थोड़ा बहुत डांस रहेगा, मैं ज़्यादा तो डांस नहीं करती हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं वहाँ पे जाके डांस करने वाली हूँ, लोगों से मिलने वाली हूँ, सब फैन से इंटरेक्ट करने वाली। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। भाई जबरदस्त तालियां होनी चाहिए अगर आपको पसंद आया तो मोदी की तरफ से स्वागत तालियां होनी चाहिए। भाई मोदी अगर खुश हो गया और बार बार कहेगी अगर ऑडियंस अगर जनता हो दर्शक हो गए तो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, हर किसी ने पर हाथ ऊपर करके ताली बजानी है। तो चलिए एक छोटी सी ना तालियों वाली एक्सरसाइज करें, थोड़ी एनर्जी बहुत जरूरी है, मतलब पीछे वाले पैसा वसूल करें, हम देखेंगे मतलब मजे नहीं बने। कमल दोनों हाथ ऊपर, इधर से भी आप आराम से बैठो, लेना देना दुनिया दादी से हम बैठे हैं भैया, ताले हाथ ऊपर करने दो, दोनों हाथ ऊपर जितनी लेनी जय जय Hey!
नमस्कार बूंदी, कैसे हैं आप लोग? कोविड के बाद आज बहुत समय के बाद मैं किसी लाइव इवेंट में आई हूँ। मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सो बूंदी ने मेरा इतने प्यार से स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू बूंदी, लव यू, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट ये मेरा राजस्थान में पहला इवेंट है। थैंक यू गाइस इतने सारे प्यार के लिए जो आप लोगों ने मेरे किरदार को दिया, मुझे दिया, और उम्मीद करती हूँ ये बहुत सारा प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। और दूसरी बात यार, ये कहना छोड़ दो कि बचपन से देख रहे, बड़ा बूढ़ा फील होता है। हम तो बस, मैं तो कल से देखना चालू किया, नया नया है, मैम भी कोई नई नहीं, और इतनी प्यारी लग रही है, तो एक बार दिल से तालियां दीजिए। सुनील जी, रीटा जी, आपका वो सबसे वाला फेमस वाला डायलॉग सुना दीजिए, रीटा रिपोर्टर वाला, सुनना है ना? नमस्कार दर्शकों, तो आप देख रहे हैं रीटा रिपोर्टर को कल तक से सीधा लाइव पूरी से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही शानदार इवेंट हो रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पर, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इससे ज्यादा कुछ और चाहिए क्या? और डांस पोपटलाल, पोपटलाल कौन बोल रहा है? पोपटलाल अपने लिए लड़की ढूंढ रहा है। एक सवाल, अगर आपको मारवाड़ी आती है थोड़ी सी, या चलेगा? नहीं भैया, अच्छा नहीं, मैं तो बोला था कि अगर मारवाड़ी आती है तो एक डायलॉग मैं जाऊंगा। सुनील सर, आपको मारवाड़ी आती है ना? सुनील सर को, सुनील सर, मैम रीटा मैम आइए, सुनील सर प्लीज। मैं चाहता हूँ सुनील सर मारवाड़ी में मैम से कुछ बुलवाइए, और मैम मैं चाहता हूँ आप ही आए, राजकुमारी मैम और सुनील सर, ये दो शख्स हैं जिनको नीज की कह सकते हैं, जिन्होंने हमें इनसे मिलवाया, जिन्होंने आपको इनसे मिलवाया। नगर परिषद का दिल से बहुत शुक्रिया जिन्होंने इन्हें हमें मौका दिया यहाँ पे ग्रीन करने का। छोटा बाली खुद के लिए, यहाँ के सभी पार्षद गणों के लिए, नगर परिषद बूंदी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो मोमेंट आने वाला है जिसके लिए आप बेताब होंगे कि और मुंबई जाए मेहमान यहाँ पे आज मारवाड़ी में बिल्कुल बलवा दीजिए हाड़ोती में, तो आपको आप बोलेंगे मैम आपके साथ रिपीट करने वाली हो जाए। मैं हाड़ोती में हाड़ोती बोल सकती हूँ। अब यार हाड़ोती तो मैंने कहा आए जो आए पर नहीं यार, सर मैं तो नहीं भूल गया हाड़ोती क्या कहेंगे हाड़ोती में। टिकम जी बताओ ना एक डायलॉग हाड़ोती में, काय कर रहे छो? यस, हाड़ोती में जैसे हमारे हिंदी में बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो हाड़ोती में बोल रहे हैं काय कर रहे छो बूंदी। अच्छा रीटा ये बताओ कि आपको, अच्छा हम लोग तो इनका ओरिजिनल नाम भी भूल गए जब से तारक मेहता का चश्मा देखने लगे हैं, इनका ओरिजिनल नाम है प्रिया आहूजा, लेकिन अब जब से ये तारक मेहता करने लगी है तब से इनका नाम रीटा रिपोर्टर ही पड़ गया, और आज दिन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उसमें भी बस रीटा जी रीटा जी रीटा जी रीटा जी रीटा जी ऐसा रट्टा लगाया कि चाहूंगी कि ये जो प्यार है ना, जब हमें हमारे नाम से नहीं हमारे किरदार के नाम से बुलाया जाता है, पहचाना जाता है, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा अवार्ड, इससे बड़ी प्रशंसा एक आर्टिस्ट के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। और लटूर जी, सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, मेरे बच्चे होने के बाद मेरी याददाश्त थोड़ी थोड़ी जा रही है, और भगवान जी मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, आपका राजकुमारी जी का भी मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, इतने सारे लोगों से मिलवाने के लिए। कोविड के बाद शायद पहली बार मैं इतनी भीड़ देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने सालों से हमारे शो को इतना प्यार देते आए हैं, और पिछले कुछ सालों से मैं थोड़ा कम आ रही हूँ, पर फिर भी उसके बावजूद भी आप सब लोग यहाँ हैं, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और आपका भी अभिनंदन कि मुझे इतने प्यार से आपने इंट्रोड्यूस किया, इतनी बार खूबसूरत कहा। आई डोंट थिंक सो, लास्ट तीन सालों में मेरे पति ने भी इतनी तारीफ की थी जितनी इन्होंने आज कर दी। एक चीज बाकी, जैसे ही उन्होंने कहा ना कि मम्मी बन चुकी है, तो मैं ये कहता हूँ जो लोग चिल्ला रहे मम्मी बन गई, संतूर मम्मी,
इम्पोर्टेंट रहा है शो में, बट जेठालाल और दया भाभी डेफिनेटली मेरे बहुत फेवरेट किरदार हैं।